आज आयोजन यही है कि आज पूरे भारत में जो अयोध्या में पूजा हो रही है श्री भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, उसी तरह से पूरे भारत में हो रही है हर मंदिर में, उसी तरह से आज भारत माता मंदिर लंगटोली चौराहा पे पूजा एवं भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। तो हम सभी सनातन धर्मियों के लोगों से निवेदन करेंगे कि इस पुण्य कार्य में यानी पूजा में और भंडारा के रूप में प्रसाद जरूर ग्रहण करें। यही हमसे हमारे तरफ से पूरे सनातन धर्मियों को, मोहल्ला ही नहीं पूरे सनातन धर्मों से सैकड़ों लोगों को से आग्रह करेंगे कि ये पूजा में सम्मिलित हो और प्रसाद का ग्रहण करें। धन्यवाद। क्या संदेश देंगे आज का? हाँ। आज का जो आज का समय है, क्या संदेश देंगे? राममय हो गई, पूरा धरती राममय हो गई। आज तो संदेश यही देना चाहें कि अयोध्या में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जीत की, और वो मंदिर आज तैयार हो गई है और मंदिर की आज भव्य पूजा हो रही है जो पूरे भारत में ऑनलाइन चल रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रही है, और यहाँ से भी कुछ चैनल हैं जो पूरे लाइव हो रही है, जो भारत के अन्य कोने कोने में, बिहार ही नहीं, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल और दिल्ली, कुछ लोग में महाराष्ट्र तक वो ऑनलाइन यहाँ से चल रही है जो अभी पूजा हो रही है, और जब तक भंडारा होगा तब। आप अयोध्या जाएंगे? और जाएंगे तो कब जाएंगे? अयोध्या इसके उपरांत ही मैं अयोध्या जाने वाला था, मुझे बुलाहट थी माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी द्वारा, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी था, हमारा ये जो एक तकरीबन 100 बरस पुराना मंदिर भारत माता मंदिर 1926 में स्थापित हुई थी, तो हमारे लिए ये जरूरी था, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन इसके उपरांत ही मैं जाके अयोध्या मंदिर में पूजा करूँगा, ये अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ, अपने सदस्य गणों के साथ, ये पक्का है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम लोग आज रात में तो दिवाली की तरह ही मनाएंगे, पूरे घर में दिया जलाएंगे और खुशी मनाएंगे, पूरा भारत वर्ष मना रहा है। बस इतना एक और बात बोलेंगे कि ये दिन लाने के लिए बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तो उन लोगों के नाम से एक एक दिया लोग अपने घर में जरूर जलाएं और हम लोग भी सबको जलाएंगे। बस जय श्री राम।